हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विकास और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है नॉलेज इन हिंदी। आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में अपनी जीमेल आईडी यानी अपना जीमेल अकाउंट कैसे लॉगिन कर सकते हो। आइए जानते हैं। यहां पे सबसे पहले आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में कोई भी वेब ब्राउज़र होना चाहिए, तभी आप सही तरीके से नेट चला सकते हो। तो यहाँ पर हमने इंस्टॉल कर रखा है गूगल क्रोम, आप देख सकते हैं। तो अगर आपके कंप्यूटर में ये इंस्टॉल नहीं है तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि गूगल क्रोम कैसे इंस्टॉल करते हैं। इसके बाद आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है और आपके पास ये वाला पेज आएगा और यहाँ तो ऊपर की तरफ आपको सर्च करना है डायरेक्ट गूगल GOOGLE, फिर आपको एंटर कर देना है। आपके पास ये वाला पेज आएगा और आपको कोने पर एक ब्लू कलर का साइन इन ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। वरना अगर आप इस पेज पर हो और आपको यहाँ पे इमेजेस मिल जाएगा, तो अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आपको साइन इन का ऑप्शन मिल जाएगा और आपके पास सेम वही पेज आ जाएगा। तो दोनों पेज सेम है। इसके बाद आपको डालना है यहाँ पे अपना जीमेल आईडी, हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो हमने यहाँ पे एंटर कर दिया, आप देख सकते हैं नीचे आपको दिखाई देगा नेक्स्ट, आपको क्लिक करना है और फिर आपको डालना है अपना पासवर्ड। तो पासवर्ड डाल दीजिए, हम यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देते हैं। पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा नेक्स्ट, आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। हल्का सा यहाँ पे ये इंतज़ार करने को कहेगा और यहाँ पे आपके पास याला ऑप्शन आ सकता है। तो नीचे आपको दिखाई देगा कंफर्म और अपडेट, आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आप कोने पे देख पाओगे आपकी जीमेल आईडी लॉगिन हो गई है। अब आप इसे एक्सेस कर सकते हो, मैनेजर गूगल अकाउंट कर सकते हो और कोई और अनदर अकाउंट भी ऐड कर सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।